वैसे गाजियाबाद इट्स वेरी नियर टू दिल्ली. अच्छा अच्छा हां 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 मैं आप मैं तो वैसे तो यूपी से हूं लेकिन मैं दिल्ली से. अच्छा अच्छा नाइस नाइस. मतलब मैं तो फर्स्ट ईयर में तो हम लोग एक दूसरे को सिर्फ एक नाम से जानते थे. अच्छा अच्छा आशीष था, विशाल था और बगल में रूम में मैं था, अमृत था, अश्विनी था. तो फिर वहाँ से भी फ्रेंडशिप शुरू हुआ. पूरा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पूरा बहुत मस्ती हुआ. फिर वो करते करते फिर चल रहा है. तो मतलब आप सब लोग ही एक ही कॉलेज में थे. तो मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था, लाइक हम लोग तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल पे था. तो एक दिन मेस में खाना खाने जा रहा था. तो मैं मेरे को पता नहीं था कि लाइक बॉबी इज बंगाली. तो आई वॉज न्यू टू दैट प्लेस. तो मैं जब लाइक द रूम विच वॉज एलोकेटेड टू मी, एक बंगाली, दो मलयालम, तीन तेलुगु, दो तमिल, ऑल मिक्सड फ्रॉम एवरी स्टेट. तो खाना खाने जा रहा था. तो हम लोग, मेरा बगल में और एक कलकत्ता का दोस्त था, लाइक मी एंड दैट गाई लाइक जॉइन द कॉलेज इन द सेम डे. तो हम लोग खाना खा रहा था. तो हम लोग जैसे नॉर्मली बात करते थे. तो लाइक बॉबी वाज सिटिंग इन ऑपोजिट साइड, ठीक है. तो उसका बगल में भी एक बंगाली दोस्त बैठा था. तो क्या हुआ, खाना खाते खाते ना वो एक लाइक प्रॉन एस फेंक के मारे हम लोग को ऊपर, ठीक है. तो हम लोग प्लान किए थे कि चलो भाई बात कर ले, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना. सो हम लोग सोचे कि जब हम लोग फाइट करें, तब ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज तो हम लोग को वही था कि हाँ फाइट करना है. तो हम लोग का बॉबी का रूम ढूंढे, बिकॉज माई रूम एंड बॉबी रूम वॉज टोटली डिफरेंट. मेरा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे था, बॉबी का उस साइड में था, बहुत बड़ा हॉस्टल था. उसी दिन से लाइक वी मेट टूगेदर. हम लोग जब फाइट करने गया था तो वी थॉट लाइक जब बात करते करते लगा फ्रेंडशिप होगी एंड वी बोथ वे बंगाली. हम लोग बात किया भाई क्या झमेला करेंगे अपने लाइक सब कोई पढ़ने ही आया तो एक सा रहेंगे तो एक यूनिटी अच्छा सा फॉर्म होगा. तो फ्रॉम दैट डे मेरा बॉबी का से फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ. फ्रॉम दैट मेरी ये तो भाई स्टार्ट करी क्लासमेट ही है. तो हमारे क्लास में जो 47 लोग थे उसमें से जो हिंदी बोलने वाले थे उसमें 5 to 7 थे. तो लड़कों में तो हम 3-4 लोग थे. तो बॉबी और एक लड़का है तो विशाल, तो उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई. बॉबी हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए. हम लोग बाहर वाहर जाने लगे. फिर हम लोग डिसाइड किए चलो यार एक साथ ही रहेंगे, रूम लेंगे, फ्लैट लेंगे, उसी में सब लोग रहेंगे, मस्ती करेंगे. सेकेंड ईयर हम लोग बाहर आए. तो उस दिन एक दिन लाइक फर्स्ट टाइम वी केम टू फ्लैट. तो सब कुछ रेडी करके हम सोचे यार पार्टी करेंगे. तो हम लोग सब मतलब लेट इज फॉर मी, हम लोग दारू स्टार्ट करें. बॉबी भी उतना नहीं पीता था कभी. अभी भी याद है सिग्नेचर लेके आए थे हम लोग. वी आर टोटल 9 or 10 पीपल. उस दिन क्यों मेमोरेबल है, ओनली दैट डे हम लोग ड्रैंक करने के बाद सब लोग नेकेड हो गए. हम लोग नेकेड होके 2 घंटा डांस के ऐसे उस दिन दैट इज आवर मेमोरेबल डे. हम लोग 2 घंटा पूरा नंगा नाचा. मेरा यार मतलब एक्चुअली हम लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में तो उतना बात नहीं होता. थर्ड ईयर में हम साथ में रहे तो मेरा बहुत सारा मेमोरीज है. एक मेमोरी जो है जो मतलब आई थिंक दैट इज द ओनली टाइम कि मेरा थोड़ा बॉबी से मतलब थोड़ा सा बहस भी हुआ. अदरवाइज बॉबी और मैं भी बहुत चिल है. हम लोग बहुत ओपन हार्टेड है. उस दिन क्या हुआ कि दोपहर में कॉलेज से आए तो बॉबी मुझे बोल रहा है कि तुम दिल्ली से हो, बहुत हीरो बनते हो, तुम अपने को क्या समझते हो. मतलब कि इसमें क्या हो गया, कह रहा है कि तुम जो बोलोगे वो मतलब कर सकते हो. मतलब कि हाँ करेंगे. हाँ, तो बॉबी मुझे बोला कि आई गिव यू 1000 rupees, यू हैव टू गो आउट फ्रॉम द अपार्टमेंट अंडरवेयर एंड यू हैव टू वॉक टिल द मेन रोड. ठीक है, मुझे पैसे दो. बोला कि नहीं तुम पहले जाओ. तो मैं गया, मैंने कपड़ा उतारा अंडरवेयर में. मैं ऑलमोस्ट नियर मतलब मेन रोड वाला पास 200 meters तक तो जा ही गए. उसके बाद फिर जो आस पास के रहने वाले थे वो देख कर तमिल बोल इसको क्या हुआ है, सब जा रहा है, सब मुझे पागल समझ रहे थे. और बॉबी को लगा कि मैं मजाक कर रहा था बट मैं सीरियस से चला गया. उसके बाद फिर बॉबी पीछे से आया, मुझे खींच के ले गया, बोला भाई सॉरी तुम गुस्सा मत करो, ऐसे मत करो. और फिर उसने मुझे 500 rupees दिए. फिर बाद में शाम को मैंने उसको वापस किया. उसके बाद हम लोग उसी 500 rupees का फिर शायद ओल्ड मॉन्ग लेकर आए रात को पार्टी किए. तो ये एक आई थिंक इकलौता मोमेंट है कि जब थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ तो पर लास्ट में तो मजा ही हुआ. पर पार्टी वार्टी हुआ. क्लासमेट जो क्लासमेट भी थे, रूममेट भी थे,
सब कुछ सारी चीजें एक साथ ही की है। बहुत सारे ट्रिप थे, तो हम लोग का एक मेमोरेबल ट्रिप था ऊटी का था, हम लोग साथ में, वो फर्स्ट ट्रिप था हम लोग का, मतलब आउट ऑफ कॉलेज सिटी बोल सकते हो। तो उस टाइम पे हम लोग मतलब एक दूसरे को और अच्छे से जाने एंजॉय करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, मतलब बस में है, बस में एक लड़कों का ग्रुप था जिसमें टीचर्स बैठे हुए थे और लड़के जो लड़के थे वो बैठे थे, लड़कियों का एक अलग था। अब हम लोग बस में पूरा नाच रहे हैं, सीटी उटी मार रहे हैं, हमारी हेचोड़ी आके बैठी हुई थी आगे आके देख रही थी वो, अब हेचोड़ी के कान में जाके भाई सीटी मार दिया, वो डर गई। उसके बाद जैसे दो 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 मिनट आगे चला बस, एचओडी बोली कि भाई इसको स्टॉप करो, भाई वो बस स्टॉप करो, मैं दूसरे बस में बैठ रही हूँ। और उधर से दो चार लड़कियां शिफ्ट हो गई, मतलब उस समय नाच रहे थे सब उसी में, उस पे लेट जा रहे थे जो थोड़ा प्लेस हाँ, बचा एक, रहता एक, है। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम होता था ना, उसका रूम में आशीष था और विशाल बोल के रखा था, भाई उठो यार चलो एग्जाम है, अरे छोड़ो यार सर दर्द कर रहा है, जब एग्जाम होगा उसको सेमेस्टर सेमेस्टर आओ भाई फिर नेक्स्ट ईयर आएगा, ये होगा ये और वो दोनों सोते रह गए थे, एग्जाम मिस कर दिए हम लोग। तो मतलब एक रात थी जेनेटिक्स का एग्जाम था, हम दोनों एक दूसरे बहुत बैठ कर पढ़े, 4 बजे मॉर्निंग तक पढ़े, पढ़ने के बाद फिर यार बोले कि थोड़ा रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद क्या हुआ 10 बज गया हमारा एग्जाम का स्टार्ट जो हुआ 8 o'clock को, फिर विशाल आके हमारा दूसरा रूममेट बोलता है भाई तुम लोग एग्जाम नहीं देने के, फिर यार सो गए, चलो सो जाते हैं अगले सेमेस्टर में देंगे। और he was very jolly, मतलब पार्टी पार्टी में अभी भी है, सेम बॉबी को चाहिए उसका डांस, एक दो ड्रिंक जाएगा फिर वो नॉन स्टॉप डांस करेगा, कोई इसको ये उसका मतलब मैं पहले से देख रहा हूं पूरा एंजॉय कर। बट द बेस्ट पार्ट इज लाइक बहुत मैं जो मैं फील करता हूँ कि बहुत लाइक दूसरा लाइक जो हम लोग का दूसरा ग्रुप है या फॉर लाइक अदर फ्रेंड्स नॉट इन कॉलेज फ्रेंड्स, कॉलेज होने के बाद देखना कॉन्टैक्ट थोड़ा हट जाता है, लूज हो जाता है, बट फॉर अस स्टिल द सेम, क्योंकि हम लोग लाइक रियूनियन करते हैं ईयरली वंस और ट्वाइस, उसके बाद हम लोग मिलेंगे जैसे हम लोग शादी में एक बार बोलने से सबको कॉन्टैक्ट किया भाई तुम आओगे, वो बोला हाँ चलो मैं भी आऊँ, तो हम लोग का ये बॉन्डिंग अभी भी स्टिल स्टे। किसी कजन के मैरिज में वो लोग मिले, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप हुआ, बट आई थिंक बॉबी और वो कभी सीरियस नहीं थे मेरे ख्याल से, सोचते भी नहीं थे कि वो सीरियस होगा, क्योंकि बॉबी पूरा एकदम हरामी है। और लास्ट ईयर हम लोग आए थे, मैं अगस्त में आया था अगरतला, तो मैं मिला तो मुझे बोला कि मेरा भी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है, अभी मेरा चल रहा है बात पर, उर्मिला के बारे में था कि मतलब जानता है बट ये नहीं था कि मतलब इतना श्योर है कि सीरियस है कि शादी हो जाएगा। फिर आई थिंक लॉकडाउन से कुछ दिन पहले आसपास में बोला कि मेरा मतलब शादी का बात मतलब चल रहा है और बहुत सीरियस है, तो हम लोग बोला कि मैं शायद, क्योंकि वो जोक बहुत करता है एक उसको ट्रस्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, वो सीरियस बात भी ऐसे बोलेगा, हां सीरियस बात भी ऐसे बोलेगा जैसे मतलब मजाक कर रहा है, जितना मैं जानता हूं उसका मतलब इसका रिलेशनशिप का उसको बात कर रहा है कॉलेज टाइम से, यानी कि 2016 से 4-5 से बात कर रहा है, मतलब वाइफ भी की वो लोग दे वर ऑलवेज वेरी गुड फ्रेंड्स, हां ऐसा मुझे लगता है, लेकिन उस हां आगे प्रोसीड नहीं कर रहे थे लास्ट 1 ईयर उन्होंने हां हां वही दे गॉट सीरियस की, हां ठीक है उम्र के हिसाब से एज के हिसाब से हम लोग अच्छे फ्रेंड है, फैमिली भी है सब कुछ सही है, तो ठीक है अच्छा है, मुझे तो फेसबुक पे कनेक्ट करा दिया था 2016 में, तुम तो थे ही ना लाइन पे, लाइन रैकेट चल रहा था, ये नहीं होगा मनीष मनीष कैसा भाई, झूठ मत बोलो यार, तुम तो और एक हो भाई, तुम छोड़ो छोड़ो तुम्हारा शादी नहीं है तो छोड़ो तुम्हारा बात, हाँ लाइक ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि लाइक यू शुड गेट अ गुड लाइफ, उसका जो वाइफ का साथ शादी हो रहा है लाइक मैरिड लाइफ शुड बी गुड, और लाइक मेरा ख्याल से यू विल बी लाइक यू ऑलरेडी चेंज कि मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबल वो लेना भी सीखिए, एंड आई थिंक होप फॉर द बेस्ट लाइक यू अ गुड लाइफ। सी आई मतलब बॉबी को तो आई डोंट थिंक सो कि एडवाइस की जरूरत है, आई थिंक ही इज वेरी गुड,
थोड़ा सा आई यूज टू थिंक कि वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है, बट आई थिंक अभी थोड़ा सा वो चेंज आ गया है, ही इज टेकिंग अ फ्यू थिंग सीरियसली. बट उसके वाइफ के लिए आई हैव अ मैसेज कि लाइक बॉबी इज अ वेरी कूल फन लविंग गाय, बहुत ठीक है. आई डोंट थिंक सो कि कोई भी लड़की अगर थोड़ा सा बॉबी को थोड़ा सा अगर कंट्रोल नहीं बट थोड़ा सा मतलब कि मतलब ही इज सो फन लविंग, मतलब यू कांट बी सीरियस विद इट. तो आई विल जस्ट सजेस्ट कि मतलब वो चिल आउट रहे, बॉबी वैसे ही है, वो बदलने वाला नहीं है, एंड इज वेरी ओपन हार्टेड एंड इज वेरी फन लविंग एंड आई विश ही द सेम. पढ़ाई करना है, नहीं पता क्या पढ़ना है, लड़की भी घुमाना है, नहीं पता कौन सा लड़की घुमाना है, पीना भी है तो क्या कौन सा ब्रांड पीना है नहीं पता है, अगर अगर फ्यूचर में कुछ बिजनेस भी करना है क्या करना है कुछ नहीं पता है. अभी थोड़ा सा मतलब आई थिंक ही नोज की क्या करना है. जो है बिजनेस करना और उसकी शादी भी एक बहुत अच्छी लड़की से हो रहा है, वो कहता बहुत सारी चीजें मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करता कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लड़की उसको बहुत अच्छी मिली. नहीं वो फालतू बात भी यही है, मैं उसको यही विश करूंगा कि जिस चीज को उसके साथ अभी स्टिक कर रहा है उसी को कंटिन्यू करे, बस वैसा अब फ्रीकल माइंडेड ना हो. अभी बेस्ट है, अभी वैसे होने से भी प्रॉब्लम होता है, अभी यहां पे सब आंसर है. हां अभी तो मतलब स्टेइंग विद फैमिली पे यहां भी प्रॉब्लम है, मतलब उधर मुंबई में चेन्नई में तो कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकता है. वो हरामी है, वो बोलता है कि मैं हाँ, किया कुछ नहीं. हाँ, वो बोलता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसका वो नहीं. हाँ, इसको मारूंगा वो करूंगा, लेकिन अंदर से ही इज लाइक अ चाइल्ड, मतलब बहुत भोला भाला है वो अंदर से. और हम लोग लाइक वी आर वेरी हैप्पी आफ्टर ऑल दिस.